सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा है? सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा है? नहीं नहीं, ये बताने के लिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी का ये तंज RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर है। जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर जैसे ही मोहन भागवत ने बयान दिया, ओवैसी ने तुरंत पलटवार किया और साफ कह दिया कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है। और क्या कुछ बोले सुनिए। अच्छा फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा खा टेंशन में मत ला जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रही नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पर बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मेरा देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको, तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे पैदा बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका, सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता ना, उसको स्पेसिंग बोलते, स्पेसिंग। सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं नहीं, ये बताने के लिए, हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पर नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब, आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि जनसंख्या को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है, ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बोझ ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी?
समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद 5 साल के बाद 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए स्व की जागृति का महत्व है।